नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी देख रहे हैं सत्यम चौरसिया एमबीए वाले। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जो कि आप घर से कर सकते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो वहां भी कर सकते हैं, और शहर से बिलोंग कर सकते हैं तो वहां भी कर सकते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो कि बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है, और घर का कोई भी सदस्य, माताएं बहनें जो भी हैं वो भी कर सकती हैं, इवन छोटे बच्चे भी कर सकते हैं जो पार्ट टाइम करना चाहें। लेकिन अगर बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पार्ट टाइम बिजनेस को ही अगर करना चाहे, मजबूरियां हो कुछ तो ही करें, वरना वो अपना ध्यान पढ़ाई में लगाए, रेस्ट बाकी जो भी चाहे उस बिजनेस को कर सकता है। दोस्तों, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है ना जो कि हर जगह यूज होता है। कहीं भी आप छोटी जगह चले जाएं या फिर बड़ी जगह चले जाएं, मिठाई डिब्बा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, या फिर इसे हिंदी इंग्लिश में कहें तो स्वीट्स बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अगर हम बात करते हैं अपने देश भारत की, तो यहाँ पे मिठाइयाँ बहुत ही लोग पसंद से खाते हैं। इवन इन कोलकाता, पहले था कि कोलकाता मिठाइयों के लिए मशहूर है, बट ऐसा हो रहा है कि हर जगह, हर मोहल्ले में, हर गांव में अच्छी से अच्छी मिठाई की दुकानें हैं, और लोग अच्छा खाना मतलब अब चाह रहे हैं। पहले लोग रूखा सूखा खा के रहते थे, अब लोगों को क्वालिटी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, भले ही थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना आप, कमाई कम है लेकिन खाना अच्छा। आज के समय में हर इंसान अच्छा खाना खाना चाहता है, तो इसलिए मिठाई की डिमांड जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। आप सभी देख भी रहे होंगे, दिन प्रतिदिन मिठाई की एक से एक दुकानें खुल रही हैं, और वहां पे ऐसा नहीं है कि सेल कम हो रही है या फिर जो फुटफॉल है वो कम हो रही है, फुटफॉल भी नहीं कम हो रही है, सेल्स भी नहीं कम हो रही है, इवन रोज उनका डे बाय डे जो सेल्स है वो बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ये मिठाई के डब्बे की जरूरत ऑब्वियसली बात है कि बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जब दुकानें खुल रही हैं, लोग मिठाई के शौकीन हो रहे हैं, अच्छा खाने चाहिए, अच्छी पैकेजिंग चाहिए। और आज का बिजनेस ऐसा है ना दोस्तों कि क्वालिटी प्रोडक्ट थोड़ा 19 भी होना, लेकिन पैकेजिंग उसकी ऑसम होनी चाहिए, एक नंबर की पैकेजिंग होगी तभी लोग खरीदेंगे, क्योंकि पैकेजिंग पे ही वही चलता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो दोस्तों, आप सभी को एक बिजनेस आइडिया जो है वो है कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं स्वीट्स के बॉक्सेस, जो कि वो दुकानदार जो है जिसमें बॉक्स में मिठाइयां देते हैं, तो वो बॉक्स आप बना सकते हैं, और आपके नियर बाय जितने भी दुकानदार हैं, मिठाई की शॉप्स हैं, उन सबसे जाके बात करिए कि आपको डेली के कितने रिक्वायरमेंट है, उन हिसाब से आप घर पे मैन्युफैक्चर करिए, उसको सुबह में शाम में ले जाके उन्हें डिलीवर कर दीजिए। ये एक ऐसा बिजनेस है कि बहुत ज्यादा उधार बाकी पे नहीं चलता है, और एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है पर डिब्बे पे 3 से 4 रुपए का। दोस्तों, हम आप सभी को बता दूं कि 5 रुपए में 1 kg के बॉक्सेस स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद क्वालिटी इंप्रूव करते जाइए तो 25 से 30 रुपए तक के बॉक्सेस आप बना सकते हैं। वो दुकान के ऊपर डिपेंड करता है कि दुकानदार कि जो शॉप है वो किस लेवल की है, किस स्टैंडर्ड की है, और वो क्या स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके पास 2 से 3 आपको वैरायटी रखनी होगी, जो कि एक स्टार्टिंग होगा जो कि 5 रुपए वाला होगा नॉर्मल, उसके बाद थोड़ा सा बेटर होगा जो 10 से 15 रुपए के बीच आएगा, और सबसे बढ़िया क्वालिटी जो होगी 20 से 25 रुपए की क्वालिटी का आपको रखना होगा। दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं है। 20 से 30 हजार रुपए अगर आप रखते हैं वर्किंग कैपिटल के साथ, रॉ मटेरियल को भी ले लें, 10 हजार का रॉ मटेरियल, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल आपका 5 से 7 हजार रुपए। तो दोस्तों, इस बिजनेस में जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है ना वो 8 से 10 हजार रुपए है, बाकी अगर आप मार्केट में उधार दे रहे हैं या फिर 2 या 3 किस्त के पैसे के बाद आपने किस्त ले रहे हैं, 2-3 क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं 2-3 किस्त का, तो में भी 30 से 35 हजार रुपए आपके लगेंगे। लेकिन अगर आप कैश देंगे तो थोड़ा सा होता है ना कि यार नया बिजनेस ऑलरेडी वो किसी से ले रहे हैं, तो एक नया बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए थोड़ा तो आपको क्रेडिट पीरियड देना होगा, थोड़ा उधार बाकी मार्केट में करना होगा, और व्यवहार भी बनाना होगा। जाए तो जरा सा 2 मिनट का उन्हें समय दें, बातचीत करें, हड़बड़ाए नहीं, तो अब वो आपको ऑर्डर जरूर देंगे। दोस्तों, एक बात और उसके साथ में मैं बता दूं कि ये बिजनेस एक ऐसा है ना जो पार्ट टाइम के बेसिस पे आप कर सकते हैं। रात में 2 से 4 घंटे मिलके आप इस चीजों को बनाएं, सुबह डिलीवर करें, और पूरे दिन आप फ्री रह के एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो होप दोस्तों, ये बिजनेस आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे करना है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ शॉर्टकट में। दोस्तों, मिठाई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, लागत की अगर हम बात करते हैं तो 30 हजार, जिसमें 20 हजार जो है आपकी वर्किंग कैपिटल, 10 हजार का रॉ मटेरियल। फिर वहीं हम बात करते हैं कि टाइमिंग, तो
तो आपको 3 से 4 घंटे का पार्ट टाइम करने हैं, उसके बाद इसको सब बेचना का है तो मार्केट में मिठाई की दुकानों पे बेचना है एंड दैट्स इट। उसके बाद आप एक अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। इसको बनाने में जो खर्च आती है वो 5 रुपए वाले बॉक्स में 3 रुपए की आती है, 10 रुपए वाले बॉक्स में 6 रुपए की आती है और 25 रुपए वाले बॉक्स में लगभग 16 से 17 रुपए की आती है। तो एक अच्छा मुनाफा है इसमें, 20 से 30% का प्रॉफिट मार्जिन है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बिजनेस आइडिया भी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस बिजनेस आइडिया को करना चाहते हो तो जल्द स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि ये बिजनेस आइडिया बहुत ही बेस्ट है, बट लेकिन अगर आपको दिमाग को शूट करता है, आपकी दिल कहती है, तो आप इस बिजनेस के लिए जा सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।